लिखा वार्डर तथा सेडिंग को सम्मिलित करते हुए सेल फॉर्मेटिंग का वर्णन कीजिए। तो सरल भाषा में हम लिख भी सकते थे, जिस तरह हम एमएस वर्ड में डाटा की फॉर्मेटिंग करते हैं, इसी तरह हम एमएस एक्सेल में भी किसी वर्कशीट में किसी सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में वर्डर तथा सेडिंग को सम्मिलित करके किसी सेल की फॉर्मेटिंग करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। तो हम सबसे पहले बता सकते हैं, जब भी हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्कशीट तैयार करते हैं या डेटा शीट तैयार करते हैं, डेटा शीट तैयार करते समय हमें सेल के अंदर लिखे गए कंटेंट को अलग अलग फॉर्मेट में फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए या फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे वर्डर या सेडिंग की बोला है तो सेडिंग, जैसे सेल के पीछे का बैकग्राउंड या सेल के चारों तरफ की वर्डर को अगर कंट्रोल करना है तो कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो फिर हम बोलेंगे कि भैया उस सीट को ओपन करते हैं जिसकी अंदर लिखे गए कंटेंट या जिस सेल की फॉर्मेटिंग करना होती है। तो फॉर्मेटिंग के अंदर हम कलर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन था बॉर्डर और सेटिंग। तो जब भी हमें किसी भी सेल की बॉर्डर को कंट्रोल करना होता है तो हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करते हैं जिसकी बॉर्डर को हमें डालना होता है। इसके बाद हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारे सामने फॉन्ट के सामने दिए गए विकल्प बॉर्डर्स पर क्लिक करके इसमें से हम बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, इनमें से किसी ऑल बॉर्डर का चयन करके भी बॉर्डर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके बाद हम चाहे तो इसी ऑप्शन में जाके हम मोर बॉर्डर पर भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? जैसे भी मोर बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसका नाम रहता है फॉर्मेट सेल, राइट। फॉर्मेट सेल्स नाम का डायलॉग बॉक्स जैसे डिस्प्ले होता है, उसके चौथे टैब बॉर्डर हम सिलेक्ट करते हैं तो उससे बॉर्डर से संबंधित विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं। तो सबसे पहला दिया रहता है लाइन और प्रीसेट्स। क्या दिया रहता है? लाइन और प्रीसेट। लाइन के अंदर विभिन्न प्रकार की स्टाइल क्या रहती है? स्टाइल दी रहती है, इनमें से किसी एक स्टाइल का चयन करते हैं। और स्टाइल के बाद नीचे हम आते हैं कलर। क्या करते हैं? कलर। अब उस स्टाइल को जो लाइन का स्टाइल चुना हुआ है वो किस कलर में होगी, इसके बाद हम प्रीसेट्स, बने प्रीसेट्स पर जाते हैं। नन का मतलब होता है कोई भी बॉर्डर नहीं है डाली जाएगी। और इसके बाद आउटलाइन का मतलब है जो भी तुमने सेल सिलेक्ट की हुई है उसके चारों तरफ की बॉर्डर डलेगी, बीच में कोई बॉर्डर नहीं आएगी। तो ये हमने चारों तरफ की बॉर्डर डाल दी, लेकिन हम चाहते अंदर और डाल दें तो इनसाइड पर जैसे क्लिक करते हैं तो हम आड़ी और खड़ी लाइन भी डल जाएगी। और हम बने बटन ओके पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले यहां से भी हम बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं कि यदि हम अलग अलग कलर की बॉर्डर्स अलग अलग जगह पर देना चाहते हैं तो हम ऐसा करने के लिए हम इनका सहारा ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम बॉर्डर्स के कलर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमें बॉटम की कलर अलग लाइन से चाहिए तो जिस तरीके से, और मान लो बीच की लाइन हमें जो आड़ी वाली अलग लाइन से चाहिए तो इस तरीके से दिए गए सिम्बॉल्स का यूज करके हम उनके कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद और इस लाइन पर क्लिक, जैसे क्लिक करते हैं और बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं, ऐसा करते ही बॉर्डर हमारी इंसर्ट हो जाती। इस तरीके से बॉर्डर को हम समझा सकते हैं। और यदि हटाना है तो हम वही जाके, हाँ, मोर बॉर्डर पे जाके हम नन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? या यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे या हम बने बटन नन पर क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करते ही बॉर्डर खत्म हो जाती है। लेके अगले सेडिंग की बात कही गई थी, बॉर्डर के अंदर सेड, यदि कलर को डालना है तो हम डाल सकते हैं। डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? फिल टैब को चुनते हैं, पांचवे टैब फिल का यूज करते हैं। जैसे फिल पर क्लिक करते हैं उसके विभिन्न विकल्प डिस्प्ले हो जाते हैं जिसमें हमारे पास दो प्रकार के कलर को डालने की बात कही जाती है। एक होता है बैकग्राउंड कलर, दूसरा होता है पैटर्न कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर, दूसरा पैटर्न कलर। तो यहां से बैकग्राउंड कलर से हम कोई भी कलर का चयन कर सकते हैं, कोई भी फिल इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, जो भी इफेक्ट्स आपको चाहिए बना सकते हो। तो जैसा भी आपको फिल इफेक्ट्स तैयार करना है वैसा बनाने के पश्चात
बने बटन ओके पर क्लिक करते हैं, और यदि इसमें कोई पैटर्न डालना है तो यहां से पैटर्न कलर चुना जाता है। किस प्रकार का हमने रेड कलर का पैटर्न चुन लिया और यहां से पैटर्न स्टाइल किस तरीके की डाल दी, इस तरीके से हम पैटर्न स्टाइल को डालने के बाद बने बटन ओके पर जैसे क्लिक करते हैं तो वह पैटर्न हमारे सिलेक्ट की गई सेल के अंदर आ जाता है। इस तरीके से इसे हम बॉर्डर एंड सेटिंग फॉर्मेटिंग के नाम से हम इसे जानते हैं।